ओए मुन्ना, आज तो मुझे कुकीज खाने का बहुत मन हो रहा है। हे भैया, लेकिन हम लोग के पास कुकीज के लिए रिसोर्सेस नहीं है। तो कैसे हो सकता है पॉसिबल? ओए मुन्ना, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुकीज खाने का बहुत मन हो रहा है। हे भैया, हमारे पास इतनी कोको बीन्स भी तो नहीं है कि मैं आपके लिए ढेर सारी कुकीज बना सकूँ। ओए मुन्ना, आज तो मेरी एक बात नहीं मान सकता क्या? चलिए ठीक है भैया, मैं इसके बारे में कुछ करता हूँ। तो हे गाइस, कैसे हो सभी लोग? आज हम फिर से खेल रहे हैं माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन की सर्वाइवल सीरीज। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर देना यार। इससे काफी ज्यादा हम लोग को कॉन्फिडेंस मिलता रहता है, इसीलिए सब्सक्राइब कर देना। और अब बात कर लेते हैं पिछली वाली वीडियो के शाउट आउट के बारे में। और तो मतलब आप लोग तो इस समय इतनी ज्यादा भसड़बाजी मचा रहे हो कमेंट सेक्शन में कि इतना सब देखकर मुझे तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रह जाता है। भैया ये क्या बोल रहे हैं, मुझे तो खुशी का ठिकाना? ओए मतलब मेरी खुशी का ठिकाना? ओए मुन्ना, भावनाओं को समझा कर, इतने दिन से मेरे साथ रह रहा फिर भी मेरी भावनाओं को समझ नहीं पाता। चल छोड़, आज तो मेरी तरफ से सभी को एकदम तोड़ने फोड़ने वाला 2000 किलो का शाउट आउट। ओ इतनी बाजी देखकर मैं तो खुशी हो गया, इसीलिए इतना बड़ा शाउट आउट। और चल मुन्ना तू भी दे दे। और गाइस, मेरी तरफ से सभी को एकदम वर्ल्ड का बेस्ट शाउट आउट आपके लिए। तो भैया आप तो जानते ही होंगे ना कि भैया उस बार का जो हमारा एक विलेजर बचा हुआ था वो भैया जॉम्बी में कन्वर्ट हो चुका था, जो कि भैया बहुत बुरी बात थी। हमारा भैया जितना पूरा विलेजर का गांव है वही पूरा खाली हो चुका था। लेकिन भैया ये देखिए, मैंने भैया इसको सही कर दिया। ओए भाग किधर रहा ये? शुक्रिया सही करने के लिए। ओए शुक्रिया तो ठीक है, लेकिन तूने फ्लो फ्लो में बहुत सारे अपने साथियों को मार दिया। अब भैया वो कर भी क्या सकता है? वो भैया जॉम्बी में कन्वर्ट हो चुका था तो भैया वो कर भी क्या सकता था ना? क्योंकि भैया उसके ऊपर उसका काबू नहीं रहता जब वो भैया कोई विलेजर जॉम्बी में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ही भैया वो सामने, या तो भैया हम लोग जैसे, या तो भैया विलेजर को देखेगा, वैसे ही भैया ये लोग मार देते हैं। बस भैया ये लोग आपस में नहीं मार करते। ओए वो चल मुझे पता है। ओए मुन्ना, हम लोग के पास खाना खत्म हो रहा है, हमें पता ही नहीं चल पा रहा। रुक जा, अभी मैं ब्रेड ले लेता हूँ। वैसे हम लोग पास ब्रेड की कमी तो है नहीं है, लेकिन मुन्ना आज मुझे एकदम कुकी खानी है तो खानी है। हाँ भैया रुक जाइए, मैं कुछ सोचता हूँ अभी। भैया मैं सोच ही रहा हूँ। ओए जल्दी सोच ले जो भी सोचना हो। अभी मैं जल्दी से गौतम को फूल चढ़ा के आता हूँ, उससे पहले भैया मैं सभी को दिखा दूँ। तो गाइस, हम लोगों ने अपने जो पांडा है उसको अपने आइलैंड में शिफ्ट कर दिया है, जो कि गाइस हमने पिछले पार्ट में बनाया था, जो कि गाइस एकदम बहुत बढ़िया था। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। हे भैया चलिए दिखाइए ना पांडा को जल्दी जल्दी। और रुक जा, पहले गेट तो बंद करने ले दे। ओए कहाँ गया पांडा, कहाँ चला गया वो रहा? ओए पांडा कैसा है, बढ़िया तो लग रहा है ना? हाँ भैया वैसे बढ़िया ही लग रहा होगा। ये देखिए भैया शांत बैठा हुआ है, और भैया यहाँ पर इसे किसी चीज की कमी नहीं होने वाली। बस भैया हम लोग को एक काम और करना है, हमें भैया अपने विली और पांडा के लिए एक एक दोस्त और लाना पड़ेगा, फिर भैया दोनों एकदम बढ़िया से खुश रहेंगे ना। ओए ये बात तो मुन्ना तूने बिल्कुल सही बात कही है, चल किसी दिन फिर ले ही आएंगे। चल मुन्ना मैंने फूल ले लिया अपने, चल गौलम को फूल चढ़ाने चलते हैं। हाँ भैया चलिए चलते हैं ना। हे भैया ये पेड़ देखिए कितने बड़े बड़े हैं ना। और वो तो बात है, ये वाला तो इतना बड़ा है। हाँ भैया इसको मैंने ही बनाया है। चार भैया सैपलिंग लगी है इतना बड़े करने में। ओए चल ठीक है, उसको बाद में देखना। चल पहले अपने गौलम को फूल चढ़ा के आते हैं, क्योंकि मुन्ना शाम होने लगी है। और तू मेरे अभी कुकीज का इंतजाम नहीं सोच पाया क्या? हे भैया मैं तो भूल ही जाता हूँ। भैया मैं सोच रहा हूँ क्या कर सकते हैं हम लोग। ओ जल्दी सोच ले मुन्ना, नहीं तो तेरे भैया को गुस्सा आ जाएगा और तू भैया को अपने नाराज करेगा क्या? नहीं भैया मैं आपको कैसे नाराज कर सकता हूँ, आप भैया हम लोग के लिए इतना सारा काम करते हैं, और भैया मैं आपको नाराज कैसे कर सकता हूँ? कम से कम भैया आपकी एक इच्छा तो पूरी ही कर सकता हूँ ना। आपका भाई भैया इसके लिए कुछ करेगा जरूर। आप टेंशन मत लीजिए। ओ मुन्ना इतना प्यार देखकर मुझे तो एकदम खुशी ही हो गई बड़े लेवल वाली। चलिए भैया हमने गौलम का फूल तो चढ़ा दिया। अब चलिए भैया ऊपर चलते हैं जल्दी से अपने घर साइड, नहीं तो भैया ऊपर जॉम्बी वगैरह कहीं ना स्पॉन हो जाए। जॉम्बी वगैरह कैसे स्पॉन होगा, तोड़ दूंगा सभी को। ओ ये क्या मुन्ना, ये पानी कहाँ से आ रहा है? हे भैया मुझे नहीं पता कहाँ से आ रहा है। ओ ये क्या, ये ऊपर से पानी कैसे आ सकता है? ओए ऊपर बंद नहीं किया क्या? हे भैया मुझे पांडा आइलैंड से लगता है। चलिए भैया इसको बाद में देख लेंगे ना। ये छोटा सा काम है, इसे बाद में कंप्लीट कर देंगे। ओए चल ठीक है, तेरे भैया ने हाथ में तलवार पकड़ ली है, अब कोई सामने आएगा भी ना तो टिक नहीं पाएगा, वो अभी 2 मिनट भी नहीं टिक पाएगा। चलिए भैया अब सोने चलते हैं, क्योंकि भैया मुझे काफी ज्यादा नींद लगी है, और भैया मैं रात में आपके कुछ कुकीज के बारे में सोचूंगा अभी, ताकि भैया मुझे सुबह तक कोई आइडिया आ जाए
क्योंकि भैया हम लोग के पास कोको बीन्स नहीं है ना। भैया जो भी कोको बीन्स है हमारे जंगल वाले फॉरेस्ट में लगी हुई है, जो कि भैया बहुत कम पड़ेंगे। फिर भैया हम अपने जंगल वाले फॉरेस्ट में क्या लगाएंगे। चलिए भैया मैं कुछ सोचूंगा। ओए चल ठीक है सोच लेना। ओए कैसे हो, वैसे बैठे ही रहो, नहीं तो मतलब को आवाज निकालते रहते हो। ओए हे भैया गुड मॉर्निंग, जल्दी से उठ जाइए ना। ओए उठ गया, कान में क्यों चिल्लाता रहता है। हे भैया आज आपके लिए मुझे कुकीज का बंदोबस्त करना है ना, इसीलिए भैया आज आपको उठा दिया। ओए कुछ सोच लिया क्या बहुत बड़ा। हाँ भैया मैंने कुछ सोचा है। भैया मैंने यह सोचा है क्यों ना भैया हम लोग एक कोको बीन का फॉर्म ही बना दें, ताकि भैया हम लोग के पास कोको बीन की कमी ही ना पड़ पाए ना। ओए मुन्ना वैसे प्लान तो बढ़िया सोचा है, लेकिन ये बताइए कोको बीन का भी फॉर्म बनता है क्या। हाँ भैया कोको बीन का क्या, किसी भी चीज का हम लोग फॉर्म बना सकते हैं, क्योंकि भैया ये माइनक्राफ्ट है, इसमें भैया कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। चलिए भैया इसके लिए सबसे पहले हम लोग को जंगल की वुड चाहिए होंगी। चलिए भैया मैं इसी पेड़ को ले लेता हूँ। वैसे भैया हमारे पास 7 रखी हुई हैं, 7 से 8 और चाहिए, जल्दी से भैया इसको तोड़ दीजिए ना। और रुक जा मुन्ना, तू आज मेरे लिए कुकीज बनाएगा, इसको क्या पूरे जंगल को ही तोड़ सकता हूँ। नहीं भैया जंगल को क्यों तोड़ेंगे, फिर पांडा नाराज हो जाएगा ना। ओए चल ठीक है मजाक कर रहा था, रुक जा अभी जल्दी जल्दी तोड़ता हूँ। और मुन्ना सैपलिंग गिरेगी तो बाद में लगा देंगे। हाँ भैया बाद में लगा देंगे, उसकी कोई टेंशन नहीं। चलिए भैया जल्दी जल्दी इसको करिए ना। ओए कर ही तो रहा हूँ, इसके ऊपर नहीं पहुँच पा रहा मुन्ना। रुक जाइए भैया मैं देख रहा हूँ कितनी है। वैसे भैया इतनी काफ़ी है, हो गया भैया रहने दीजिए मत तोड़िए। ओए पांडा कोई दिक्कत हो तो बता देना, जैक को सॉल्व कर देगा। ओए चलिए भैया हम लोग कोको बीन्स को भी कलेक्ट कर लेते हैं, और फिर इस फॉरेस्ट में क्या रह जाएंगी। हे भैया अगर एक बार फॉर्म बन गया जो कि भैया हम लोग को कोको बीन का होगा, तो भैया हम लोग को कोको बीन की कमी ही नहीं पड़ेगी ना। मतलब कि भैया हम लोग पेड़ों में अनलिमिटेड टाइम कोको बीन लगा सकते हैं, उसकी कोई टेंशन नहीं। बस भैया अभी हम लोग को यूज करनी पड़ेगी। और चल ठीक है मैं भी तेरी मदद कर ही देता हूँ। वैसे भैया कलेक्ट तो हो चुकी हैं, 12 हो चुकी हैं, कुछ और तोड़ लीजिए भैया। और रुक जा ये ले तोड़ ली, और तोड़ दिया क्या। नहीं भैया वैसे हो तो जाने चाहिए ना। ओए और बता, कोई शक हो तो तोड़ लेंगे, वैसे हम लोग के पास कमी नहीं है ना। हाँ भैया वैसे इतने में हो जाने चाहिए, ज़्यादा नहीं लगती। ओए ये बता मुन्ना तुझसे कुकीज़ बनती है क्या। हे भैया मैंने रेसिपी सीखी हुई है ना, आप टेंशन मत लीजिए, लेकिन भैया उससे पहले हम लोग को कोको बीन का फार्म तो बनाने दीजिए ना। चलिए भैया हम लोग को इधर ही बनाना पड़ेगा। इधर भैया मैं कुछ अलग करने का सोच रहा था, लेकिन अब क्या, अब भैया कोको बीन फार्म हम लोग इधर ही बना लेते हैं। ये देखिए भैया मैंने इधर एक बेस पहले से तैयार कर कर रखा हुआ है, लेकिन भैया इधर मैंने कुछ दूसरा सोचा था अब, लेकिन भैया इधर ही हम लोग को फॉर्म को तैयार करना पड़ेगा ना। और चल ठीक है मुन्ना, बेस तो हम कहीं भी बना सकते हैं, लेकिन अगर मुन्ना कोको बीन का फॉर्म बन रहा है तब तो बढ़िया ही होगा ना। हाँ भैया हम लोगों के पास कितने सारे ऑटोमेटिक फॉर्म्स हो चुके हैं ना। और मुन्ना हम लोग को कमी भी तो किसी चीज़ की नहीं पड़ रही है ना। हाँ भैया वो बात तो है। चलिए भैया मैं कुछ सामान नीचे रखा हुआ है उसे जल्दी से लेकर आता हूँ। इधर गई भैया ग्लास ढूंढिए भैया, जो कि ब्लैक कलर की है, ताकि भैया अच्छी भी लगे ना। थोड़ा सा भैया डेकोरेशन भी जरूरी होता है। ओए डेकोरेशन पेकोरेशन मत कर, किसी तरह से फॉर्म तैयार हो जाए, बस इतना मैं चाहता हूँ। नहीं भैया फॉर्म तैयार कर रहे हैं, थोड़ा सा तो भैया डेकोरेशन जरूरी है ना। आप टेंशन मत लीजिए भैया मैं बनाऊंगा। ओए चल ठीक है, और क्या क्या लगेगा। हे भैया डिस्पेंसर वगैरह भी हम लोग को चाहिए, और भैया चलिए मैं हॉपर भी ले लेता हूँ, क्योंकि भैया इसकी भी जरूरत पड़ेगी। हे भैया डिस्पेंसर ढूंढिए जल्दी से। ओए इधर ही तो रखा था, एक तो हम लोग का सामान इतना ज़्यादा फैला हुआ है। हे भैया वो रहा डिस्पेंसर। ओए किधर है, रुक जाइए भैया मैं ही ले लेता हूँ। चलिए भैया मैंने डिस्पेंसर भी ले लिया, अब क्या चाहिए भैया मैं, रुक जाइए याद करने दीजिए। हे भैया एक बटन भी बनानी पड़ेगी। ओए अब बटन किस लिए चाहिए, रुक जाइए भैया जो मैं बना रहा हूँ ना बनाने दीजिए पहले। और भैया हम लोग को 2 चेस्ट की शायद ज़रूरत पड़ेगी इसके लिए, और 2 चेस्ट। हाँ भैया 2 चेस्ट बना लीजिए। और रुक जाए इधर हम लोग की वुड रखी होंगी, मैं 2 मिनट में बनाता हूँ चेस्ट को। ये रही वुड, चल मुन्ना 2 ही चाहिए ना। हाँ भैया 2 ही चेस्ट चाहिए, वैसे काफ़ी रहेंगे भैया, 2 चेस्ट बहुत काफ़ी हैं। और ये ले 2 चेस्ट बना लिया, अब क्या चाहिए। रुक जाइए भैया सोचने दीजिए। जंगल वुड तो भैया हमारे पास हो गई, ग्लास भी हो गया, और भैया डिस्पेंसर भी है, वैसे भैया सब कुछ हो चुका है। चलिए भैया अब बनाते हैं, इधर से भैया शुरू करते हैं, आगे बनाएं भैया कि पीछे साइड से। ओए आगे साइड से बना, नहीं तो पीछे इतना लंबा कौन जाएगा। चलिए भैया ठीक है। सबसे पहले भैया हम लोग को जंगल वुड को रखना पड़ेगा, किधर गई। ओए ये रही ये ले, चलिए भैया इधर से शुरू करते हैं। ओए मुझे बता देना किस तरह लगाने, मैं लगा दूंगा। नहीं भैया रुक जाइए मैं लगा दूंगा। आपको कोई जरूरत नहीं।
हाँ भैया थोड़ा सा देखिए बस, फिर भैया दूसरा वाला आप ही कर दीजिएगा। पहले भैया रुक जाइए, अभी भैया मेरे से भी अच्छे से बनता नहीं। बस भैया मैं देख रहा हूँ डिज़ाइन सही रहेगा कि नहीं, और डिस्पेंसर इधर ही लगा दिया। चलिए भैया इधर को वुड ब्लॉक को कवर कर दीजिए और सामने तक। हाँ भैया एकदम बराबर ले जाइएगा, और रुक जा अभी करता हूँ। और ये ले हो गया, और तो करना है क्या? नहीं भैया इतना काफ़ी है। वैसे भैया हम लोग को इतना ज़रूरत नहीं पड़ेगी आज। बस भैया आपको कुकी बनानी है ना? बस भैया मैं आपकी कुकी के लिए सब कुछ कर रहा हूँ। इधर रख दिया ग्लास, और भैया और क्या कर सकते हैं? अब भैया हम लोग चेस्टर हॉपर के लिए जगह बनाते हैं इधर साइड, और हम लोग नीचे ना गिर पाए ये ध्यान रखना। हाँ भैया नीचे नहीं गिरेंगे। चलिए भैया पीछे साइड वाले में चेस्ट लगा दीजिए। और ये लगा दिया, हॉपर भी लगाना है। हाँ भैया लगा दीजिए। और ये हो गया क्राउच, और देख मुन्ना अब तो मैं हॉपर लगाना भी सीख गया। हाँ भैया एकदम परफेक्ट हो गया। चलिए भैया हम लोग का 75% काम तो कंप्लीट ही हो गया यहीं पर। ओए मुन्ना आज तो बहुत जल्दी कंप्लीट हो गया। हाँ भैया छोटा सा फॉर्म है, इतना बड़ा हम लोग को बनाना नहीं, हम लोग का भैया काम बस चल जाएगा। चलिए भैया मैं डिस्पेंसर के पीछे बटन लगा दूँ। एक्टिवेट हो रहा है क्या? ओए ये क्या पानी कहाँ से आ रहा है? हे भैया मैंने डिस्पेंसर में डाला ना। बस भैया मैं चेक करना चाहता था कि पानी आ रहा है कि नहीं। ओ चल ठीक है अब तो आ रहा है ना, अब क्या करना है? अब भैया इसके डेकोरेशन के लिए मैं इसके ऊपर ऊपर थोड़ा सा ग्लास लगा देता हूँ, ताकि भैया थोड़ा सा अच्छा भी लगे ना देखने में। ओ वैसे मुन्ना ग्लास वगैरह की जरूरत नहीं है, हम लोग को सिंपल सा बनाना है ना। अब भैया इतना बड़ा फॉर्म बना रहे हैं, तो भैया ग्लास लगा देंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी? ओ चल ठीक है तुझे जो भी लगाना हो जल्दी लगा दे, मुझे तो मुन्ना आज कुकीज़ खाने से मतलब है, क्योंकि मुन्ना आज मेरा कुकी खाने का बहुत मन कर रहा है। चलिए भैया ठीक है ना, मैं बना रहा हूँ ना। आप टेंशन मत लीजिए। अब चलिए भैया कोको बीन को जल्दी लगा देते हैं, और उधर साइड भी लगाना है। हाँ भैया इधर साइड भी। और रुक जा भी लगाता हूँ ना, भैया से बोला कर इस तरह काम। ओए ये ले एक और बचा, ये ले मुन्ना ये भी लग गया। ओए एकदम परफेक्ट मुन्ना कोको बीन हम लोग वहाँ से लेकर आए थे। हाँ भैया हो गया ना। ओए अब ये काम कैसे करेगा, इसमें तो कुछ नहीं आ रहा। हे भैया रुक जाइए, इसका बड़ा होने का इंतजार कीजिए। जैसे कि भैया मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। बोन मिल लेकर आइए भैया। ओए बोन मिल करे है भैया, यहाँ से हड्डियाँ ले लीजिए ना। ओए रुक जा भाई, नमूने का तोड़ दो निकल ले। हे भैया नमूने को बाद में तोड़िएगा, जल्दी भैया बोन मिल बनाइए फिर आपको समझाता हूँ। और भैया आज आपको कुकीज़ भी खिलाता हूँ। ओ ये ले बना लिया बोन मिल, अब बता। हे भैया अब बोन मिल को कोको बीन के ऊपर मारिए तो बताता हूँ। और रुक जा ये मारी, हो इसमें भी मारूंगा, सब मैं मार दूंगा। हे भैया दो दो बार मारनी है। और चल ठीक है दो दो बार भी मार देंगे, इतने में नहीं होगा क्या? अभी भैया ये पूरी तरह से तैयार नहीं हुई। ओए ये ले, ओए ये क्या मुन्ना ये तो और भी बड़ी बड़ी हो रही है। हाँ भैया अब देखिए ये पूरी तरह से तैयार हो चुकी हैं। जब भैया ये रेड कलर का मतलब कि हल्का ब्राउन कलर का शेप ले ले, तब समझ लीजिए भैया ये तैयार हो चुकी हैं। चलिए भैया ये देखिए हमारी कोको बीन तैयार हो चुकी है। ओए मुन्ना हमने फार्मिंग तो बढ़िया कर ली, अब बस भैया पीछे वाले बटन को दबा दीजिए। और बटन को किधर गया, ये रहा, दबा दो क्या? हाँ भैया दबाइए ना। ओए ये ले दबा दिया, बंद भी कर दिया। हे भैया थोड़ी देर चालू रखिए ना। ओए ऐसा बोलना चाहिए था ना, ये ले अब भैया बंद कर दीजिए। ओए ये ले बंद भी कर दिया, और कुछ आया क्या चेस्ट में? हाँ भैया आप देखिए चेस्ट में। ओ ये क्या मुन्ना, हमने 14 लगाई थी और कितनी सारी मिल गई। हाँ भैया यही तो फायदा है। देखिए भैया आज हमने कोको बीन का फॉर्म भी तैयार कर दिया। और रुक जा फिर से लगा दूँ क्या? हाँ भैया लगा दीजिए फिर से, ताकि भैया हम लोग के पास आते ही रहें। और चलिए फिर बाद में ऑटोमेटिक होती रहेंगी। हाँ भैया रुक जाइए मैं ही लगा देता हूँ जल्दी से। इसके बाद भैया हम लोग कुकीज़ बनाते हैं। और ये ले लग गया। चलिए भैया अब मैं आपके लिए कुकीज़ को तैयार करता हूँ। लेकिन भैया उससे पहले मैं थोड़ा सा रेसिपी देख लूँ, मैं भूल गया भैया। ओए मुन्ना तेरा काम इसी तरह से रहता है, अभी तो बोल रहा था कुकीज़ मुझसे बनती हैं। ए भैया रेसिपी देखने में कुछ समय नहीं लगेगा, रुक जाइए। ये रही कुकीज़। हे भैया इसके लिए हम लोग को वीट चाहिए होंगी, वीट कहाँ मिलेगी? हमारे पास तो भैया ओनली ब्रेड है, तो वीट कहाँ से मिल पाएगी? ओए मुन्ना तो वीट की बात करता है, इतना बड़ा हमने एक वीट का फार्म बनाया हुआ है तो वीट की बात करता है। लेकिन भैया उसमें हमारे फार्मर काम कर रहे हैं। ओए चल बाद में काम कर लेंगे, पहले हम लोग को जो जरूरत है उसकी हम लोग लेंगे ना, ये तो काम करते ही रहेंगे। हाँ भैया ये लोग बाद में फिर से तैयार कर लेंगे ना। ओए वही बात तो बोल रहा हूँ, रुक जा अंदर जाने दे। है भैया कहीं लोग बाहर ना भाग जाए, और भागेंगे कैसे, तोड़ दूंगा एक एक को। जल्दी से रुक जा कलेक्ट करता हूँ। हे भैया जल्दी जल्दी करिए ना। हे भैया लग रहा है एक भाग गया। ओए कैसे भाग गया, वो देखिए भैया एक ही बचा हुआ है। हे भैया मैंने पहले ही बोला था ना ये लोग भाग जाएंगे।
और रुका जा, इसको लगता है बंद ही करना पड़ेगा। रुक जा, जल्दी जल्दी पहले बीट कनेक्ट कर लूँ। ओए अब तू नहीं भागना, ये तोड़ दूंगा। हे भैया वो भाग ही जाएगा। और मुन्ना दोबारा ले आएंगे, टेंशन किस बात की। हे भैया वो देखिए फिर से भाग गया एक और। अब भैया यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। ओए भागी गया, दगाबाज निकला। हे भैया चलिए ठीक है, रात को तो भैया सोने आएंगे ही ना। ओए बिल्कुल सही बात है, अब ये रात के इन लोगों का बेड तो यहीं पर लगा हुआ है। ये क्या रात हो भी रही है। चलिए भैया अब हम लोग के पास तो वीड भी आ चुकी है, अब हम लोग भैया कुकीज एकदम आराम से बना सकते हैं। ओए यहाँ क्या कर रहा है, चल निकल ले इधर से। हे भैया चलिए उसको रहने दीजिए ना, घूमने दीजिए। चलिए भैया ये देखिए मैंने आपके लिए ढेर सारे कुकीज बना ली। ओए मुन्ना कैसी लगी खाने में। हे भैया खा कर देखिए ना। ओए रुक जा भी खाता हूँ। ओए मुन्ना क्या टेस्टी बढ़िया लग रही है। हाँ भैया कैसा लगा कुकीज। ओए मुन्ना एकदम फर्स्ट क्लास लगी। ओए मुन्ना आज तो मजा ही आ गया। हाँ भैया चलिए ठीक है। देखा भैया मैंने आपकी इच्छा पूरी कर दी ना। ओए मुन्ना मेरा भाई तू मेरी जान है। हाँ भैया चलिए ठीक है ना। बहुत हो गया तारीफ, अब चलिए भैया मुझे बहुत थकान लगी है, अब भैया सोने चलते है ना। तो है गाइस आपको वीडियो थोड़ी सी पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिएगा ना। अब आ ही गया तो सब्सक्राइब भी करके भी जाइएगा, बिना सब्सक्राइब किए हुए बिल्कुल नहीं जाइएगा, क्योंकि इससे हम लोगों को काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है। तो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए गाइस टाटा बाय बाय गुड बाय। ओए मेरी तरफ से भी सभी को टाटा बाय बाय गुड बाय। चल मुन्ना।